आपने जो है ना ऐसे पकड़ना है, लाइक इस बॉडी में ऐसे पड़ा होगा, ठीक है। हाथ जो होता है ना वो स्ट्रेट नहीं पड़ा होता, पूरा टिल्टेड पड़ा होता लाइक दिस, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ये दिस इज दी एपिक्स ऑफ द हार्ट, ठीक है, ये पीछे आपकी बेस ऑफ द हार्ट है। बेस ऑफ द हार्ट को कौन बनाता है? बेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म बाय विच एट्रियम? लेफ्ट एट्रियम, गुड। बेस ऑफ द हार्ट इज फॉर्म बाय द लेफ्ट एट्रियम, बड़ा लेफ्ट एट्रियम से बनता है। ये देखें आप, इसमें आपकी पुलमोनरी जो होती है वो आर्टरीज ओपन होती है, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अच्छा, ये क्या बनाया हुआ उन्होंने? बेसिकली ये उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे कोई अगर ब्लॉकेज हो जाए इस एंटीरियर वेंट्रिकल सिस्टम की आर्टरी जो डिसेंडिंग जा रही है, तो उसको फिर हम इस तरह बाईपास कर देते हैं। तो ये उन्होंने बेसिकली बाईपास दिखाया हुआ है। नॉर्मली तो ये नहीं होते, लेकिन अगर ऑपरेशन करके सामना करना हो तो ये उसके लिए उन्होंने बाईपास बताएंगे। ये आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो ऐसे बाईपास करते हैं, ये आर्टरी हो जाए तो ऐसे बाईपास हम ग्राफ्ट लगाते हैं, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज दी आर्च ऑफ ओटा, दिस इज दी असेंडिंग ओटा, आर्च ऑफ दी ओटा, डिसेंडिंग ओटा। ये क्या आर्च ऑफ दी ओटा में सबसे पहले ब्रोंको परमानेंट, ब्रोंको से पहले ब्रेकियो के पहले ट्रंक, ब्रेकियो के पहले ट्रंक, ये कौन सी कैरोटिड? कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट, ये लेट सकते हैं, ये ऐसे ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट आती हैं, कॉमन नहीं आती, ठीक है, इधर लेफ्ट लेफ्ट आती हैं, ये ट्रंक आता है, ठीक हो गया। राइट ब्रेकियो केफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन, ये डिसेंडिंग, ये आर्च ऑफ द ओटा, एसेंडिंग ये ओटा, ये क्या है? नहीं वो नीचे वाला है, ये स्पीर वेना कैवा, एंड दिस इज स्पीर वेना कैवा, ठीक हो गया। ये वाला एरिया कौन सा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये राइट ऑरिकल, दिस इज दी लेफ्ट ऑरिकल,